नदवई से विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना भी चार विधायकों की बैठक में शामिल हुए। मंत्री रघु शर्मा से मिलने उनके निवास पहुंचे अवाना ने इसका कारण अपने क्षेत्र की सीएचसी की मांग के संबंध में बताया। साथ ही विधायक राजेंद्र गुड़ा के उस बयान जिसमें उन्होंने समर्थन नहीं देने पर सरकार के बरसी मनाने की बात कही थी, पर कहा कि इसका जवाब तो राजेंद्र गुड़ा ही बता पाएंगे। उन्होंने क्यों कहा कि हम साथ नहीं देते तो प्रदेश की यह सरकार अपनी पुण्यतिथि मना रही होती, लेकिन हमने कांग्रेस में विलय करने का निर्णय केवल विकास के नाम पर और ये सरकार स्थिर रहे। इस पर संवाददाता नीरज शर्मा ने बातचीत की विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना से। नदवई से विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना जी, अवाना साहब, बसपा के विधायकों ने आज बैठक की है, क्या रणनीति बनाई है? ढाई साल से अधिक वक्त हो गया है, मंत्रिमंडल दिशफल अभी तक नहीं हो पाया। अब आप बसपा छोड़ के कांग्रेस के विधायक हैं तो ठीक है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी बैठक होने जा रही है, हमारे वरिष्ठ विधायक साथी आदरणीय राजेंद्र गुड़ा साहब अभी आ रहे हैं और आएंगे। क्या एजेंडा होगा, क्या चर्चा होगी, उस सब का खुलासा हम लोग करेंगे आपसे। कल का समय था, कल मेरा निजी कार्यक्रम था, मैं नहीं पहुँच पाया था, तो आज मैं पहुँचा हूँ। अभी हमारे लाखन जी, संदीप जी, मैं स्वयं यहाँ मौजूद हैं और शायद अभी थोड़ी देर में गुड़ा साहब आ जाएंगे, और खेरिया जी से भी संपर्क किया है, तो उसके बाद में जो भी चीज़ें जो चर्चा होंगी आपको जरूर। मंत्री रघु शर्मा जी से भी चर्चा हुई? नहीं, उनके पास तो हम लोग निजी कार्य था, मेरी एक सीएससी शिफ्ट होनी थी, उसके लिए मैं गया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचा तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई दोबारा। राजेंद्र गुड़ा जी ने एक बयान दिया है कि अगर हम साथ नहीं होते, 6 विधायक और 10 निर्दलीय, तो आज सरकार बरसी मना रही होती। अब देखिए, इसका जवाब तो ठीक से राजेंद्र गुड़ा साहब दे पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम 6 साथियों ने अगर बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस में विलय करने का निर्णय लिया तो केवल और केवल विकास के नाम पे ये सरकार स्थिर रहे। आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, ये सरकार पूरा कार्यकाल करे, पूरे डोरे हम लोगों पे डाले जा रहे थे दूसरे दलों के, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की स्थिर सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे टाइम चले। हम लोग ईमानदारी के साथ में विकास को देखते हुए हम लोग कांग्रेस पार्टी में गए और आज हम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। आज मोहनलाल शर्मा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि मैं अशोक गहलोत जी को अपना नेता मानता हूं और सचिन पायलट जी को भी मान लेना चाहिए। देखिए, सदन में हमारे नेता हैं अशोक गहलोत साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें तो कहीं कोई दोराय नहीं है कि वो कहीं किस तरह की कोई वो है, ये सच्चाई है कि वो विकास पुरुष हैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब। उन्हीं के चेहरों को देख के, उन्हीं के कार्य को देख के, उनके जो पिछली चीज़ें रही हैं उस सब को देख के ही हम सब साथियों ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आने का भी काम किया है। आप लोग जब कांग्रेस में आए थे तो कुछ शर्तें थी पहले से तय की गई थी? देखिए, हम लोग बिना शर्त आए, जैसा कि जिस दिन हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस दिन भी हमने बताया था, हम लोगों की कोई शर्त नहीं थी। और जहाँ तक मंत्रिमंडल या अन्य चीज़ों की नियुक्तियों की जो बात है, ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का निर्णय है, अपने विवेक से कार्य लेंगे वो। श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन लोगों को जो ठीक लगेगा वो करें, वो उनका निर्णय है, उनका विवेक है, जैसा चाहेंगे वो करेंगे। और हमारा कोई दबाव नहीं था, बिना शर्त हम आए थे, आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पायलट जी के कुछ समर्थक हैं, उनका भी अपनी मांगे हैं, वो उनका भी दबाव बन रहा है, ये दबाव समूह जो काम कर रहे हैं किस तरीके से सरकार क्या दबाव में काम करती रहेगी? अब देखिए, कहाँ दबाव कहाँ क्या है ये तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ना मुझे जानकारी है ज़्यादा, और जो लोग दफा बना रहे हैं इसका तो जवाब वो ठीक से वही दे पाएंगे। आप लोगों ने जो समर्थन किया है उसकी एवज में कुछ ना कुछ फल मिलेगा उम्मीद है? फल तो मिल गया, इतना बड़ा फल मिला है कि मेरी स्वयं की विधानसभा नदवई में जो कार्य 20 साल से नहीं हुए वो 2.5 साल में हो गए। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं बजट में की और इतने बड़े बड़े कार्य वहाँ पे चल रहे हैं, और ये सब अगर कुछ है तो श्री अशोक गहलोत साहब की देन है। तो ये थे विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना, उन्होंने कहा मुझे फल मिल चुका है, मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है, वो वरिष्ठ हैं, वो हमारे नेता हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा। कैमरामैन जितेश शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।